यहाँ से हम 24 महीने का करेंगे, 24 महीने पे 10,000 पर कितना ब्याज लगेगा, तो आप देख सकते हैं 2,012 रुपए तो इंटरेस्ट लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई बनवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी आप पंजाब नेशनल बैंक पर ऑनलाइन या घर बैठे आसानी से जो उसकी ईएमआई है कैसे बनवाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चार्ज लगेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, कितनी ईएमआई बना सकते हैं, क्या बाद में हम इसे प्री क्लोज भी करवा सकते हैं, प्री क्लोज करवाएंगे तो उसका क्या चार्ज लगेगा, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट क्वेरी तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूं कि आप कितना अमाउंट रखेंगे या आप कितने अमाउंट तक ईएमआई बनेगी, वो सारी डिटेल हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया है, यहाँ पर आपके कुछ टर्म या कंडीशन वगैरह है, या पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसके बाद में लाइव हम जो हमारे पीएनबी पर जो ईएमआई है वो लाइव करके बताएंगे पीएनबी जिनी ऐप पर कि उस पर कैसे होगा और कितना क्या चार्ज वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसका क्या प्रोसेस है, ईएमआई फैसिलिटी जो कि पीएनबी प्रोवाइड करवाता है। तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, द इजी प्लान और रिटेल परचेज मेड बाय द प्राइमरी एड ऑन कार्ड ओवर द ईएमआई रिक्वेस्ट फॉर ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पर जो रिटेल परचेज करेंगे जैसे वो आप इसमें ईएमआई कन्वर्ट करवा सकते हैं। द प्लान इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शन डन बाय टू मेकिंग परचेज मर्चेंट आउटलेट और पीओएस मशीन थ्रू ई कॉमर्स। तो आप यहाँ पर पीओएस मशीन से जितना ट्रांजेक्शन करेंगे ई कॉमर्स पर उन पर भी आप जो है ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अदर डेबिट ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स कैश विड्रॉल फ्यूल गोल्ड ज्वेलरी इटिस इट नॉट एलिजिबल इन व्यू द गाइडलाइन इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आप जो यहाँ पर गोल्ड फ्यूल ज्वेलरी है इन पर आप ईएमआई नहीं बनवा सकते हैं, ये इनका कहना है। और इस साथ में इन्होंने हवाला दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नहीं बोलता कि आप इन चीज़ों पर आप ईएमआई बनवा सकते हैं। तो ओवर लिमिट, ओवर ड्यू और डिक्लाइन क्रेडिट कार्ड आर नॉट एलिजिबल फॉर इजी पे प्लान। ओवर लिमिट, ओवर ड्यू, डिलीकेंट क्रेडिट कार्ड है और नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है इस पर। रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्सन इजी प्लान शुड बी मेड विद इन 30 डे ऑफ परचेज बिफोर द पेमेंट ड्यू डेट। यानी कि आप 30 दिन पहले से ईएमआई जो कन्वर्ट है वो करवा सकते हैं। द फैसिलिटी कैन बी मल्टीप्लायर जो चार्ज है वो 2500 से आपका पैसा जो ऊपर होना चाहिए तभी आप ईएमआई वो बनवा सकते हैं। के नॉट अवेलेबल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड वगैरह इन पर नहीं है। द ट्रांसफर रिटेल परचेज ट्रांजेक्शन इजी प्लान कैन बी डन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बिलेड अनबिलेड इंटरेस्ट प्लस प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेस देन क्रेडिट लिमिट अवेलेबल एट द कन्वर्सन टू इजी पे प्लान। यानी कि जितनी आपकी लिमिट है उस तक की आपकी जो ईएमआई वो बनेगी। हाउ टू अप्लाई, पीएनबी जिनी ऐप से आप कर सकते हैं और साथ साथ में आप कॉल कर सकते हैं 24/7 इनके जो नंबर है 1800180235 पर भी आप इनको कॉल करके या क्रेडिट कार्ड pnb@pnb.co.in पर भी आप इन्हें मेल करके भी बोल सकते हैं और आप पीएनबी जिनी ऐप से भी कर सकते हैं। बाकी इनका प्रोसेसिंग सेंटर रिपेमेंट प्लान है 3, 6, 9, 12, 18, 24 एंड 36 महीने तक आप इसे जो ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं और ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा ग्रेटर देन करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस एंड फाइनेंस चार्ज देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है 2% ट्रांजेक्शन अमाउंट और इनर 200 हायर इज अप्लीकेबल। 200 से अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके ऊपर इस पर जो 2% का चार्ज है वो लगने वाला है। 18% आपको फीस लगने वाली है और 3% ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना आपका अमाउंट है प्री पेमेंट चार्ज लगने वाला है। और नील फोर कार्ड अगर आपको एफडी पर मिला है तो आपको प्री पेमेंट चार्ज है वो नहीं लगेगा। तो ये तो यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड ईएमआई एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो ईएमआई करेंगी तो उसका आप अगर मेल पर करेंगे तो आपको उसका एक ईएमआई फॉर्म भी देना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म है जो ईएमआई का वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको फॉर्म है वो कम्प्लीट फिल कर देना है। और अगर आपको इसमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं लिंक दे दूंगा फॉर्म भरा हुआ का, आप कैसे भरेंगे तो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो यहाँ का प्रोसेस था, लेकिन आप पीएनबी जिनी ऐप से आसानी से जो है अपनी ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पीएनबी जिनी ऐप है वो हम लॉगिन करेंगे। तो जो हमारा जो पीएनबी जिनी ऐप वो लॉगिन, काफ़ी थका हुआ ऐप है ये, काफ़ी चलता ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट डिटेल मैनेज कन्वर्ट टू ईएमआई, तो आपको कन्वर्ट टू ईएमआई दिख गया, इस पर आपको क्लिक कर देना। ध्यान रखिए आपका 2500 अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, 4072 रुपये का और 10155 रुपये का। तो आप इनमें से किसी की भी ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। सॉरी मैं, तो चलिए इस पर हम 6 फरवरी वाले 10155 की ईएमआई कन्वर्ट करा के देखेंगे कितनी फीस चार्ज लगेगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ईएमआई, आप 24 महीने तक इससे ईएमआई करवा सकते हैं। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो आप 36 महीने तक करवा सकते हैं। तो तीन, अगर हम 3 माह की जो ईएमआई है वो कन्वर्ट कराते हैं तो प्रोसेस चार्ज लगेगा 203 रुपये, इंटरेस्ट चार्ज लगेगा 306 रुपये, यानी कि टोटल तो ये तो हो गया 509 रुपये के करीब, और जीएसटी लगेगा 55 रुपये, जो कि 18% इस पर आपको जीएसटी देना होता है। और टोटल अमाउंट जो हमारा देना होगा वो हमें देना होगा 10,719 रुपये, और ईएमआई हमारी बनेगी 3,487 रुपये की। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला 18%, जो यूजुअली सभी बैंकों का यही रहता है। 6 महीने की कराएंगे तो 6 महीने की भी जो जो इनका इंटरेस्ट चार्ज है वो बढ़ जाएगा, साथ में जीएसटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट चार्ज 539 और जो जीएसटी है वो 97 रुपये, और जो हमारी ईएमआई है वो कम हो चुकी है 1782 रुपये की, हमारी जो ईएमआई वो रह चुकी है। तो यहाँ से हम 24 महीने का करेंगे, 24 महीने पर 10,000 पर कितना ब्याज लगेगा, तो आप देख सकते हैं 2,012 रुपये तो इंटरेस्ट लग रहा है, और 362 रुपये हमारी जो जीएसटी लग रही है, 18% इस पर जीएसटी लगती है, और ईएमआई हमारी बनेगी 506 रुपये, और अमाउंट टोटल हम अमाउंट पे करेंगे 12,732 रुपये। तो उसके बाद में यहाँ से आपको कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी रिसीव होते जो आपकी ईएमआई वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 से 3 दिन के बाद में, आपके जो आपका ऐप है पीएनबी जिनी ऐप पर उस पर भी शो हो जाएगी, और जब भी आपको पेमेंट करेंगे तब आपको ईएमआई का पेमेंट भी, आपका जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है उसी के साथ आप अपनी ईएमआई भी साथ में पे कर देंगे। तो ईएमआई का कोई मिनिमम ड्यू नहीं होता, ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिए। तो दोस्तों ये तो था ईएमआई बनवाने का। अगर आप ईएमआई क्लोज करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे, तो ईएमआई क्लोज करने के लिए आपको पीएनबी को मेल करना होगा, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको पे कर देना। उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज भी लग सकता है, क्योंकि 200 रुपये, साथ में 3 या 4% आपसे प्री क्लोजर फीस भी ली जा सकती है। तो काफ़ी सिंपल सा इसमें ईएमआई बनाना और ईएमआई प्री क्लोज करवाना, तो कुछ इस प्रकार की थी पीएनबी क्रेडिट कार्ड ईएमआई क्लोज जैसे बनाना और क्लोज करना। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट क्वेरी कमेंट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।